कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। बात करेंगे लोहा बाजार में, खास तौर से बिलेट के बाजार के बारे में। आज जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, बिलेट के मार्केट में क्या कीमतें चल रही हैं, कुछ मंडियों में किस तरह का उतार-चढ़ाव और ट्रेंड मार्केट में आज आप देख सकते हैं। विस्तार से इस बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो लोहा बाजार के बारे में बात करते हैं। लोहा बाजार में एक तरफ की स्थिरता देखी जा रही है। आज सुबह से ही बाजार खुलने के साथ बाजारों में जरा भी तेजी या मंदी नहीं आई है। लेवल जो है 48,000 पर से देखा जा रहा है और इसी वजह से बाजारों में बिलेट में भी बहुत ज्यादा स्थिरता का कारोबार देखा जा रहा है। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो मंडी गोविंदगढ़ में 48,100 रुपए का रेट चल रहा है। दुर्गापुर की कीमतें 45,500 रुपए है। रायगढ़ का रेट 45,200 रुपए देखा जा रहा है। रायपुर में 45,800 रुपए का रेट है। कोलकाता कीमतें 46,200 रुपए है। जयपुर का रेट 47,200 रुपए देखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर में बिलेट का आज का रेट 46,700 है। अंबा कंपनी कीमतें आप 47,800 रुपए देखकर चल सकते हैं। गाजियाबाद का रेट 47,600 है। लुधियाना कीमतें 47,800 रुपए मार्केट में देखी जा रही हैं और हैदराबाद में मार्केट में 47,000 रुपए का लेवल आप बाजारों में देखकर चल सकते हैं। तो बाजारों में हमने आपको जो रेट बताए हैं बिलेट के, अगर आपको इसके अलावा भी किसी तरह के रेट की जानकारी चाहिए तो आप हमारा ऐप एबी लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पेड है, आपको इसमें फ्री सर्विस नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इसमें लोहा बाजार से और लोहे से जितने भी जुड़े प्रोडक्ट हैं इन सभी चीजों के रेट आप इसमें डिटेल में किसी भी मंडी का रेट आप इसमें ले सकते हैं। अब बात करते हैं इंगट के बारे में। तो इंगट का जो बाजार है वो 48,000 पर स्थिर हो चुका है। एमएस स्क्रैप की कीमतें 37,000 रुपए पर मार्केट में स्थिर हो चुकी हैं। बहुत ज्यादा तेजी या मंदी के साथ कारोबार आपको बाजारों में देखने को नहीं मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट का जो आज का ट्रेंड है वो फ्लैट है और बाजारों में अगले हफ्ते एक्सपायरी का भी हफ्ता है, तो उस वजह से बाजारों में आपको बहुत ज्यादा तेजी के साथ भी कारोबार देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल मार्केट में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने वाले टाइम पर आ सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हों तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।